वेलकम बैक टू न्यू वीडियो गाइस। तो गाइस हम जहाँ पर काम करते हैं वहाँ पर अभी आज हमें यूनिफॉर्म मिला है नया, मैं उस यूनिफॉर्म को आपको बताता हूँ। और गुफरान भाई को भी यूनिफॉर्म मिला है, अम्मार को कल मिल गया था गाइस यूनिफॉर्म। गुफरान का इस तरीके से यूनिफॉर्म है, कुछ बता गुफरान का। ये ड्राइवर वाला है गाइस, ये मस्त यूनिफॉर्म अपना है। रेड कलर का शर्ट मिला है, टी शर्ट और कुछ इस तरीके से पैंट मिली है डार्क। पैंट इतनी बड़ी दी थी गाइस इन्होंने, बाप जैसे कि ये डॉक्टर हाथी की पैंट हो। मुझे मेरा यूनिफॉर्म भी बता दो गाइस आपको। इस तरीके का शर्ट मिला है कुछ मुझे, ये वाइट शर्ट और वाइट पैंट, हर किसी को वही पैंट मिलती है यहाँ पर। ये शर्ट मिला है, इस तरीके का टी शर्ट मिला है और यहाँ पर कुछ कंपनी का लोगो दिया गया है, कंपनी का लोगो और ये शॉर्ट में कुछ लिखा है यहाँ पे SAL जो सलामा का ही कुछ करके होगा लगभग। वाइट टी शर्ट है और ये ब्लैक पैंट मिली भाई, ग्रे पैंट। ये भी ऐसी लग रही है जैसे कोई मिस्टर डॉक्टर हाथी की पैंट होगा। इसे इसको जाके हम अल्टर करेंगे, अल्टर का अल्टर के बाद में पहन के आप लोगों को बताऊंगा। बस इस वीडियो में इतना ही, अभी जा रहे हैं नाश्ते के लिए, नाश्ता करते हैं और फिर उसके बाद जब पैंट अल्टर हो जाएंगे उसके बाद मैं आपको बताऊंगा भाई। चलते और नाश्ता करते तो भाई आगे होटल में। भाई इस तरीके से यहाँ पर कुछ चटनी पैक किया जाता है। तो ये मोहम्मद परवेज भाई पाकिस्तान से गाइस यहाँ पर बहुत सालों से काम कर रहे हैं। हेलो, होटल में गए जैसे कि मैंने बताया नाश्ता करते हैं और जाते फिर वापस। मैं तुमको एक चीज़ बताना भूल गया, वो बताता हूँ मैं आपको। कुछ लोग यहाँ पर आए, क्या मंगाते भाई? हेलो, होटल सिंगल डाल मंगा, मेरे सिंगल डालो नहीं है चिकन रोटी मंगा। तो भाई सिंगल मंगा हमने, सिंगल चिकन, सिंगल दाल और सिंगल राइस आगे बता दो आप लोग। ये कुछ इस तरीके का दस्तरखान रहता है गाइस यहाँ पर। खाने के बाद इसके ऊपर डायरेक्टली सब सामान छोड़ देते, इसको उठाकर इस तरीके से पैक कर देते, मतलब ज़्यादा झिकझिक नहीं गाइस। वंदर किचन उन लोगों का चिकन, ये है पुलाव यहाँ का, ये पुलाव मंगा हम लोग, ये मटन पुलाव एंड ये चिकन, और ये तीसरा आया भाई दाल। ये दाल और इस तरीके की इसको खबूस बोलते हैं गाइस यहाँ पर। खबूस इसको क्या बोलते हैं? खबूस, तुझे पता नहीं खबूस बोलते? चटनी देना गाइस, सलाद भी आया और इस तरीके की चटनी जो प्लास्टिक के अंदर पैक हो रही थी ना, ये वो चटनी गाइस, ये दही की चटनी गाइस। तो गाइस इस तरीके से शूज मिल रहे हैं हम सबको, अभी मेरे भी बताता हूँ मैं आपको। तो भाई शूज आ गए, तो भाई बहुत वजनदार लग रहा है शूज, बट वी विल मैनेज इट। सबको मिल रहा है। कैश पैक भाई कैसा हो रहा है शूज? तो भाई मेड इन इंडिया, ये इंडिया का प्रोडक्ट है अपने। तो भाई हमें शूज तो मिल गया, बट एक पट हो गया हमारे साथ। जब भाई हमारे से जो यहाँ के मैनेजर है वो शूज का नंबर ले रहे थे, तो यहाँ पर 41, 42, 43 नंबर चलता है, बट इंडिया के अंदर जैसे अपने इधर 7, 8, 9 नंबर चलता है, तो हमने इंडिया के अकॉर्डिंग यहाँ पर नंबर दिया था 9 नंबर, बट हमारा शूज बड़ा आगे है। बट देखते हैं अभी कॉपरेट करते हैं ये बार इंशाल्लाह, अगली बार कंप्लेन करके हम छोटा शूज ले लेंगे।
के साइज का मिल गया है 42। अरे भाई बहुत खुशी हुई भाई, उनके हाथ से मुझे छीन लाना पड़ा, वो तो दे नहीं रहे थे, फिर भी मैंने छीन लिया। छीनने के बाद चला एक पेप्सी आपको पिला दूंगा अपनी तरफ से, बात खत्म। नहीं आपको भी आपके साइज का मिल गया? नहीं है ग्रुप में, तो बस मैं और अम्मा रह गए गाइस, बाकी सबको जिसके उसके साइज का मिल गया नंबर। बट ये बाबू चले पैंट ले जाने, वो पहले वो हाथ पकड़ा रूम के ऊपर। तो ये चीज़ बताना मुझे पहले आपको, सेफ्टी रैकेट, ये सेफ्टी रैकेट भी किस तरीके से गाइस, ये सेफ्टी सेफ्टी रैकेट है गाइस, ये पहनकर काम करना होता है। कोई भी लाइट अगर लाइट अपने ऊपर चमकता है तो ये पट्टे चमकते गए सब इसके गाइस। तो बस गाइस इस वीडियो में इतना ही, तो मिलते हैं इसी तरह नेक्स्ट व्लॉग में, जब तक के अस्सलाम वालेकुम। और अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल, जब तक के बाय बाय।